आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया था। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सहित भाजपा पदाधिकारियों के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि अटल जी का मेरे परिवार के साथ अहम रिश्ता था। उन्हीं की प्रेरणा के चलते मैं भाजपा में आई। उनकी गिनती देश की सियासत के उन चंद नेताओं में होती है जो कभी दलगत राजनीति के बंधन में नहीं बंधे। उन्होंने हमेशा ही सभी पार्टियों से भरपूर प्यार व स्नेह मिला। देश के तमाम नेता और जनता आज उनको याद कर रही है। देखिए, आज हम सब यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। अटल बिहारी जी उत्तराखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उन्होंने उत्तराखंड के लिए आगे किए थे और आज इसीलिए हम उत्तराखंड बने हैं और आगे हुए हैं। और हम सब उन्हें कभी नहीं भूल सकते, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे और स्पेशली हमारे सभी लोगों को बहुत ही प्यार करते थे। एक नेता ही नहीं, वो एक बहुत ही बड़े कवि भी थे, जो इसलिए उनका पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग थे। और सभी को, जैसा कि आपने मेरे फैमिली का हमारा जो रिश्ता था बहुत ही सुंदर रिश्ता मेरे फादर इन लॉ के साथ थे, वैसे उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ काम करने आई थी और मुझे पता नहीं था आज मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। और जिस तरह से उन्होंने सबको सिखाया कि एक साथ होकर किस तरह से काम करना, क्या करना, हम सब इसी को आगे करना चाहते हैं। मेरा यही कहना है, यही आज मैं श्रद्धांजलि हम सब मिलकर देने आए हैं। थैंक यू।